आगरा में 15 फरवरी से सेना भर्ती शुरू हो गई थी जो 8 मार्च तक चलेगी। आगरा दिल्ली बाईपास कीठम झील स्थित आनंद इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में भर्ती केंद्र बनाया गया है। अब सेना भर्ती रेल में आगरा और अलीगढ़ मंडल के 6 जिलों के करीब 1,12,000 युवा शामिल होंगे। आगरा जनपद की सेना भर्ती 1 अप्रैल से शुरू होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को तहसील के हिसाब से अलग अलग तारीख पर बुलाया जा रहा है। रैली में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को 48 घंटे पहले का कोविड-19 का सर्टिफिकेट लेकर भर्ती स्थल पर पहुंचना होगा, जिसके लिए कोविड-19 का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभ्यर्थी अभी से जिला अस्पताल और SN मेडिकल कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जिला अस्पताल ने कोविड-19 का सर्टिफिकेट बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। हमें एक डेस्क से दूसरे डेस्क पर घुमाया जा रहा है। हॉस्पिटल के बाहर घूम रहे कुछ लोग पैसे लेकर प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। ये पहले अथॉरिटीज को इसको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि बगैर जांच के वो अभ्यर्थियों को नहीं लेंगे, तो उसके शासन को अवगत कराना चाहिए था, उसकी पहले से व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये अचानक आए तो हम अपने स्तर पर जो कुछ कर पा रहे हैं उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमने ये प्लान बनाया है, जो आगरा शहर के वासी हैं वो अपनी जांच जिला अस्पताल में करवा सकते हैं, जो पेरिफेरी के अभ्यर्थी हैं वो अपने ब्लॉक स्तर पर जांच है वहाँ करवा के आएँ, इस जनपद से जो बाहर के लोग हैं वो अपने जनपद में जाँच करवा के आएँ। आनंद इंजीनियर कॉलेज में आर्मी की भर्ती चल रही है और 1 तारीख से आगरा जनपद की भर्तियां स्टार्ट होने वाली है। रैली की जो भर्तियां है उनमें कोविड की रिपोर्ट मांगी गई, यानी कि 48 घंटे की जो प्रतिभागी हैं जो आर्मी की दौड़ में शामिल होंगे उन पर एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 1 तारीख से लंबी भीड़ या लंबी लाइन लगने की आशंका है। हमारे साथ अभी से विद्यार्थी जुड़ना शुरू हो गए हैं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड के फॉर्म और कोविड की अपनी रिपोर्ट बनवाने के लिए आए हैं। तो क्या इनकी परेशानी, इनसे बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? उमेश रावत। क्या कहना चाहेंगे, भर्ती कल से है, क्या है? भर्ती कल से है, यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है किसी की। कोविड जांच कोविड की रिपोर्ट बनाने हैं। क्या क्या बताया है? यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कभी बोलते हैं बाहर जाओ, कभी बोलते हैं कहीं पर जाओ। पैसे खर्चे होंगे ऐसे बोल रहे हैं। मेरा नाम है रजत कुमार। रजत, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है, जो सर्टिफिकेट बनवाने आए थे हम यहाँ सुबह से घूम रहे हैं और ये बोल देते हैं बाहर जाओ SN कॉलेज में और वो पैसे खर्च करो वहाँ से बनेगी। 1 तारीख से कोविड-19 का, और वो बोल रहे हैं 1 तारीख से बस स्टार्ट होने वाली है और वहाँ पे मतलब 48 घंटे पहले की रिपोर्ट वो मांग रहे सर्टिफिकेट। हाँ गए थे, अंदर गए थे, बोल रहे थे SN कॉलेज में वो हॉस्पिटल में जाओ वहाँ पे जाके होगी, तो सभी बंदे इधर ही आ गए। पैसा वैसा की कुछ मांग की जा रही है बाहर जो लोग? हाँ जी, वो पैसे मांग रहे थे कि वहाँ पे जाओ, वहाँ 500 रुपये में होगा, यहाँ कुछ व्यवस्था ही नहीं है। और उनकी बातों से पता चल रहा था कि वो पैसों पर ही आएंगे और तभी बनाएंगे, अभी वहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी है ही नहीं। पैसे देने के मतलब क्या है, मतलब सर सभी अब क्या करें, पैसे तो देने पड़ेंगे। काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं लड़के, 3-4 सालों से मेहनत कर रहे हैं और एक बार में पानी फिर जाए इस मेहनत पे तो क्या फ़ायदा है इसका, तो पैसे देने पड़ेंगे। CMS तो और ये सब बता रहे हैं कि व्यवस्था की गई है कोविड की बनाने की। कुछ व्यवस्था नहीं है सर, कुछ व्यवस्था नहीं करी रखी है, उन्होंने सब मना कर रखा है, बाहर से जाइए अपना वो बाहर से सब कुछ करके आइए जब करेंगे, कुछ व्यवस्था नहीं अंदर। बहुत सारे दलाल भी हैं, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे दलाल हैं। हर पैसे कोई 300 रुपये मांग रहा है, कोई 600 रुपये मांग रहा है, कहाँ से पैसे लेके आए भर्ती के लिए पैसे। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसमें मौजूद हैं और कल से जो शुरू हो रही है सेना भर्ती उसके लिए कोविड के जो सर्टिफिकेट है वो बनवाने के लिए अभ्यर्थी अभी से जुड़ रहे हैं। लेकिन साफ तौर से इनका कहना है कि इनसे पैसे मांग रहे हैं SN मेडिकल कॉलेज में 600 तो कहीं 500, जैसे जिस हिसाब से लोग पड़ जाएँ उस हिसाब से इनसे अभ्यर्थियों से पैसे मांगे जा रहे हैं। अपने साथी रंजित चौहान के साथ हरिकांत शर्मा, दर्पण न्यूज़ आगरा।